स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंट करंट है उसको एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं। पहले भी बता चुके हैं लेकिन इसको एक बार रिवीजन के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो जस्ट रिवाइज कर लीजिए। देखो, भारत केन्या न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो ये भारत की यात्रा पर रहे। उनकी पहली भारत यात्रा था। और केन्या ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जो बना कब था, G20 में बना था, ठीक ना, G20 में बना था। और ध्यान रखना, 9 सितंबर 2023 को ये वैश्विक जैव ईंधन संगठन गठबंधन बना था उसमें, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का घोषणा किया। कौन? केन्या ने किया कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हो जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दो बातें। और केन्या के साथ भारत ने कितना समझौता किया, 5 समझौता किया, 5 MOU पे उन्होंने साइन किया, ठीक है ना। अगर बात करें नेक्स्ट, तो भारत और तंजानिया का देखें, तो एक चीज जान लो कि जी ट्वेंटी का जो मीटिंग हुआ था, भारत में सम्मेलन हुआ था, उसके बाद अफ्रीका क्या हुआ था, अफ्रीका शामिल हो गया था, G20 ग्रुप में शामिल होने वाला संघ हो गया। तो एक यूरोपीय संघ, उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीकी संघ में कितने, 55 देश हैं, तो ये शामिल हो गया। उसके शामिल होने के बाद पहला अगर कोई अफ्रीका का कोई देश का राष्ट्रपति भारत की यात्रा पे रहा, तो वो कौन रहा, सामिया सुलू हसन। ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, भारत की यात्रा पे रही, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर इसमें देखा जाए, तो ये G20 समूह की अफ्रीका संघ अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने के बाद किसी अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की पहली भारत यात्रा थी, ये हमने बता ही दिया, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो फरवरी 2024 में सूरज कुंड मेला होगा, कहाँ पे होगा, फरीदाबाद हरियाणा में होगा, वहां सूरज कुंड मेले में तंजानिया को क्या बनाया जाएगा, भागीदार देश बनने का निमंत्रण दिया है। तो तंजानिया क्या बनेगा, भागीदार देश बनेगा, ये बात ध्यान रखना इस पे, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक। उसके बाद तंजानिया भी अपना घोषणा किया कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा किया था 9 अप्रैल 2023 को, ये भी ध्यान रखना, इसमें शामिल होने के घोषणा कर दिया तंजानिया ने। और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जो 9 सितंबर 2023 को घोषणा किया गया था, उसमें भी शामिल हो। जबकि हमने केन्या का क्या बताया कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हुआ और ISA में शामिल हुआ, और ये वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ, ये ध्यान रखना। तंजानिया के साथ 6 समझौते हुए और जवाहरलाल नेहरू JNU के द्वारा पहली बार किसी को मानद उपाधि, डॉक्टरेट मानद की उपाधि दी गई, तो वो किसको दी गई, सामिया सुलू हसन को दिया गया, तंजानिया के राष्ट्रपति को दिया गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा, भारत और ग्रीस की देखें चर्चा में क्यों रहा, तो पिछले 40 वर्षों में पहली भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ग्रीस यात्रा है, 40 वर्षों के बाद हुआ है। तो इससे पहले कौन, मोदी जी के पहले 1983 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद कौन गए हैं, मोदी जी गए हैं। टूम ऑफ अननोन सोल्जर, वेरी इंपॉर्टेंट, टूम ऑफ अननोन सोल्जर कहाँ पे है, एथेंस में स्थित है, उस पे इन्होंने मोदी जी ने श्रद्धांजलि अर्पित किया, ठीक है ना। तो ये भी बात ध्यान रखना, मोदी जी को वहां के राष्ट्रपति जो कैटिना है, उन्होंने राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया, किसको, मोदी जी को दिया, ठीक है ना। भारत UAE क्यों न्यूज में रहा, भारत UAE इसलिए न्यूज में रहा कि एक तो अबू धाबी में UAE में IIT दिल्ली परिसर बनाया जाएगा, स्थापना किया जाएगा, जबकि IIT दिल्ली कहाँ पे बनाया गया, IIT मद्रास कहाँ पे बनाया गया, तंजानिया में बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना, IIT दिल्ली दूसरा परिसर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होगा जो विदेश में अपना परिसर स्थापित करेगा, IIT मद्रास पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जो कहाँ पे, जंजीबार तंजानिया में स्थापित किया, ठीक है ना। तो ये अभी बताया आपको। नेक्स्ट हम देखिए भारत और फ्रांस का संबंध में देखें तो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज रहा, तो प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा की और 6वीं यात्रा फ्रांस यात्रा किया इस साल में, ये पेरिस स्थित एलिसी पैलेस में, ध्यान रखना, एलिसी पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर,
ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, ये कहाँ से? फ्रांस की तरफ से सम्मानित किया गया मोदी जी को, और ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, और ऐसा सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। ध्यान रखना, ऐसा सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। मोदी जी ने 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस जो मनाया गया उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस मनाया गया था, उस दिन वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये दूसरा अवसर था जब कोई भारत का बेस्टिल दिवस पे क्या हुआ, शामिल हुआ। तो पहले पहले नंबर पे कौन, 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह बेस्टिल डे के परेड पे शामिल हुए थे, और दूसरे नंबर पे मोदी जी शामिल हुए। अच्छा, इसी में फ्रांस ने बताया कि फ्रांस ने बोला कि मैं हैदराबाद में क्या करूंगा, एक वो एम्बेसी खोलूंगा। वैसे इंडिया ने बोला कि मार्से में हम क्या करेंगे, दूतावास खोलेंगे। तो ये भी बात ध्यान रखना। साथ ही साथ फ्रांस, एक और चीज हुआ कि फ्रांस एवं यूरोप में भारत की यूपीआई को कार्यान्वित किया जाएगा, इसके तहत एमओयू साइन हुआ। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। भारत मिस्र की बात करें तो भारत मिस्र के क्या है कि जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस के परेड पे मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, ठीक है ना। तो बस इतनी बात ध्यान रखना कि मिस्र के राष्ट्रपति कौन थे, अब्देल फतेह अल सीसी। इनको 2023 में किया था, जबकि 2024 में किसको, तो फ्रांस के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा, ऑर्डर ऑफ द नाइल किसको दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया ऑर्डर ऑफ नाइल। ये ऑर्डर ऑफ नाइल मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ऐसा ही फ्रांस में ही सेम हुआ कि पहले भारतीय थे, लीजन जो ऑर्डर ऑफ लीजन है और ऑर्डर ऑफ नाइल, दोनों दोनों में पहले भारतीय हैं जो ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान या फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। 2022 में इनका 75वीं वर्षगांठ मनाया गया था, किसके, तो हमारे इसकी बात कर रहे थे मिस्र और इंडिया के। भारत और अमेरिका के संबंध में क्या अभी हाल ही के सिनेरियो में क्या देखने को मिला, तो देखो प्रधानमंत्री ना, जो 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है, उस दिन न्यूयॉर्क में स्थित, न्यूयॉर्क में क्या है, हेडक्वार्टर है, यूएन का मुख्यालय है, वहां के नॉर्थ लॉन में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में नेतृत्व किया। तो 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे नेतृत्व किसने किया था, यूएन के हेडक्वार्टर में, तो मोदी जी ने किया था। अच्छा, उसमें थीम क्या रखा था, यूएन में जो योग शिविर आयोजन किया गया, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। अच्छा, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी प्रवेश कर दिया गया, कैसे, कि यहाँ पे सबसे ज्यादा देश के, ध्यान रखना, 135 से अधिक देशों के लोग यहाँ पे आके क्या किए, योगा किए। तो एक योग सत्र में सर्वाधिक देशों के लोगों की भागीदारी की वजह से इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में शामिल कर लिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि देखो, अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को, जैसे 21 जून को हुआ था, 21 जून के बाद 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त बैठक को संबोधित किया, किसने, मोदी जी। तो ये दूसरा अवसर था, पहले पे इन्होंने संबोधन किया था सितंबर 2016 में, अमेरिकी कांग्रेस को संबोधन कर चुके थे। आर्टमिस समझौते में भारत क्या साइन करके 27वां देश बन गया। तो आर्टमिस एकॉर्ड 13 अक्टूबर 2020 को ये समझौता हुआ था, और इसके फाउंडर देश कितने थे, 8 थे, ध्यान रखना। अब आर्टमिस एकॉर्ड को साइन करने वाले कितने देश बन गए हैं, 27, अभी लेटेस्ट में भारत ने साइन किया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए ये आर्टमिस एकॉर्ड बनाया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है निसार। निसार इसरो और नासा के द्वारा एक अपर्चर, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार बनाया जा रहा है, किसके द्वारा, इसरो और नासा के द्वारा। तो निसार भी न्यूज में रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी, जिसको बोलते हैं एमएसपी, एमएसपी वो नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, बल्कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का नवीनतम भागीदार देश बन गया है कौन, इंडिया बन गया है, ठीक है ना। और जो एमएसपी है ये जून 2022 में स्टार्ट हुआ था, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो भारत के साथ एमएसपी में शामिल वाले टोटल अगर देखा जाए तो 13 देश शामिल हो गए, 12 और प्लस 1 भारत शामिल हो गया, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना। अमेरिका
द्वारा भारत के दो नए वाणिज्यिक दूतावास खोले जाएंगे। अमेरिका द्वारा कहाँ पे? बेंगलुरु में खोला जाएगा, अहमदाबाद में खोला जाएगा। तो दो जगह वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा। भारत के द्वारा कहाँ पे खोला जाएगा दूतावास अमेरिका में? तो वो खोला जाएगा सीएटेल में। कहाँ खोला जाएगा? सीएटेल में, ठीक है ना। अच्छा, तमिल अध्ययन चेयर यूएस में कहाँ स्थापित किया गया? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। और वहीं विवेकानंद चेयर कहाँ पे स्थापित किया गया? शिकागो विश्वविद्यालय में। तो ये दोनों याद रखना, ठीक है। भारत सर्बिया की देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यूरोपीय किसी यूरोपीय देश की पहली यात्रा थी कहाँ पे? सर्बिया में। सर्बिया में थी, ध्यान रखना। लेकिन इनकी राजनयिक यात्रा पहली नहीं थी, ठीक ना। तो इनमें सर्बिया की यात्रा के दौरान माउंट आउला पे स्थित मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरो पे श्रद्धांजलि अर्पित किया। जबकि एथेंस में किसने किया था? एथेंस में हमारे मोदी जी ने किया था। और वहीं सर्बिया में माउंट आउला पे अननोन हीरो को श्रद्धांजलि किसने दिया? हमारे राष्ट्रपति जी ने दिया, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। भारत सूरीनाम, देखो भारत सूरीनाम संबंध की बात करें तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी वहां के राष्ट्रपति हैं। ये उसके राष्ट्रपति हैं कहाँ के? सूरीनाम के हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री ने पद ग्रहण की, सॉरी राष्ट्रपति ने, श्रीमती मुर्मू जी ने जब ये पद ग्रहण किया, उसके बाद उनकी पहली राजकीय यात्रा थी कहाँ? सूरीनाम। ध्यान रखना, सूरीनाम थी पहली राजकीय यात्रा। और यूरोप में पूछे तो सर्बिया था, ठीक है ना, ये बात है। और संतोखी जो हैं वो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि सूरी भारतीय राष्ट्रपति को सूरी नाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार किसके द्वारा दिया गया? सूरी नाम के द्वारा दिया गया, ठीक है ना। भारत नेपाल की बात करें तो भारत नेपाल में और नेपाल के बीच में एक समझौता हुआ, ऊर्जा व्यापार समझौता, ठीक है ना, पावर ट्रेड एग्रीमेंट हुआ कि आगामी 10 वर्षों में भारत क्या करेगा, 10,000 मेगावाट बिजली किससे खरीदेगा? नेपाल से खरीदेगा। तो ये समझौता हुआ, ठीक है ना। भारत ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जो अभी हाल ही में 9 मार्च को कहां पे हुआ था, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुआ था, चौथे और अंतिम टेस्ट में प्रधानमंत्री अल्बनीज और प्रधानमंत्री मोदी दोनों साथ लोग साथ में मिलके देखे, ठीक है ना, कहां पे? गुजरात में देखे, ठीक है ना, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ये भी ध्यान रखना। प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। तो प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, डिंकिन विश्वविद्यालय क्यों न्यूज में रहा? तो भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है जिसने शाखा खोला। कहाँ पे खोला? गिफ्ट सिटी में खोला, गांधीनगर में, ठीक है ना। तो पहला विदेशी विश्वविद्यालय है जिसने अपना शाखा खोला गिफ्ट सिटी में। भारत भूटान क्यों न्यूज में रहा संबंध? तो भूटान की जो 13वीं पंचवर्षीय योजना होगा उसमें भारत क्या करेगा? उसमें सहयोग देगा। और साथ ही में जो मांगछू जल विद्युत परियोजना चल रहा था 720 मेगावाट का, उसका निर्माण करके भूटान को भारत ने क्या कर दिया है? सौंप दिया है। और सीमा पर ये रेल लिंक भी बनाया गया है, निर्माण प्रस्तावित कर दिया गया है। किसके किसके बीच में? तो कोकराझार असम और गलेफू भूटान से जोड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, कोकराझार और गलेफू से जोड़ेगा। भारत और इटली संबंध कह रहा हूँ, तो 8वें रायसीना संवाद हुआ, ठीक है ना, 8वां रायसीना डायलॉग हुआ। उसके मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के नोट स्पीकर के रूप में कौन आया? तो जॉर्जिया मेलोनी को बुलाया गया, ठीक है ना। और भारत और इटली के राजनीतिक संबंध के कितने वर्ष हो गए 2023 में? 75 वर्ष हो गए। ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखें भारत और मिस्र का। तो भारत और मिस्र की बात करें तो अब्दुल फतेह अल सीसी ये भारत की राजकीय यात्रा पे रहे। जनवरी में 74वें जो गणतंत्र दिवस था उसमें सीसी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, ठीक है ना। 75वें में कौन हुआ? तो हमारे फ्रांस के प्रेसिडेंट हुए, ठीक है ना। भारत और बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। भारत और बांग्लादेश पाइपलाइन का उद्घाटन किया। और ये पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है किसका? भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में है और पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है किसका? भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये कहां से कहां तक जाएगा? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से पार्वतीपुर जो है वहां तक ये मैत्री पाइपलाइन जाएगा। टोटल इसका लेंथ कितना है? 131.57 किलोमीटर है, 131.57। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय प्रकरण देखने जा रहे, ध्यान रखना कि जो इंडेक्स है, इंडेक्स हमने एक जगह
आधे घंटे के अंदर पूरे डिटेल में बता दिया है, तो इंडेक्स यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, वरना लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, वहां व्यवस्थित रूप से हमने खुद लिख के उसको बना दिया। अगर नहीं देखा होगा तो इंडेक्स जरूर देख लेना, वहां से तो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो गरबा, गरबा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। देखो यूनेस्को 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 दो तरह की सांस्कृतिक विरासत घोषित करता है, एक तो धरोहर हेरिटेज कल्चरल के लिए करता है, हेरिटेज साइट करता है, हेरिटेज साइट करता है, और एक अनटेंजिबल या कहें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित करता है। तो दो करता है, तो हम बात कर रहे हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कौन शामिल कर दिया गया, गरबा। और ये गरबा शामिल होने के बाद 15वां ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में गरबा को शामिल किया गया। और गरबा कहाँ का डांस है, तो ये हमारा गुजरात का डांस है, तो ठीक है ना, इतनी बात ध्यान रखना। तो यूनेस्को की 18वीं वार्षिक बैठक कहाँ पे हुआ, कसाने बोत्सवाना में हुआ, ध्यान रखना। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु यूनेस्को की जो सरकारी समिति की बैठक हुई, तो यूनेस्को की 18वीं वार्षिक बैठक कहाँ पे हुआ, कसाने बोत्सवाना में हुआ, ठीक है ना, कसाने बोत्सवाना में हुआ। वहीं पे गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि की सूची में क्या किया गया, शामिल किया गया। तो ऐसा गरबा भारत में शामिल होने वाला कौन सा हो गया, 15वां हो गया, ठीक है ना, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अच्छा, अगर टोटल ओवरऑल देखा जाए तो वर्तमान में भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु एक अंतर सरकारी समिति का क्या है, सदस्य भी है, ये भी जानना है। और ये लिस्ट में देखो, इस 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था, 2017 में कुंभ मेला को शामिल किया गया, और 2023 में गुजरात का गरबा डांस को, तो टोटल 15 अमूर्त विरासत को, सांस्कृतिक विरासत को भारत में शामिल कर दिया गया, ठीक है ना। अब जितने भी हमारे इंडेक्स होंगे, इंडेक्स नहीं बताएंगे क्योंकि इंडेक्स को हमने समरी के रूप में बता दिया है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट है नई डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र। तो देखो, नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियां हैं, 6 जीवित प्रजातियां कौन कौन हैं, तो अगर देखें तो एक अमेजन नदी के डॉल्फिन, सिंधु नदी के डॉल्फिन, गंगा नदी के डॉल्फिन, इरावदी नदी का डॉल्फिन और तुकुजी नदी का डॉल्फिन, यांगसे फिनलेस प्रोपोइज, ये हैं। जो 7वां प्रजाति था जो चीन बैजी नाम से था डॉल्फिन, वो क्या 2006 में विलुप्त तो घोषित कर दिया गया। तो अभी कितने जीवित प्रजातियां हैं डॉल्फिन के, 6 जीवित प्रजातियां हैं, और 11 देशों ने, ध्यान रखना, एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने विश्व की नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने के बचाने के लिए कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में, कहां, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया। वो ऐतिहासिक समझौता क्या था, ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030, इस पे हस्ताक्षर करता कितने देश हैं, 11 देश हैं भारत सहित, ठीक है ना, भारत सहित 11 देश हैं। अच्छा, हमने बोला कि रैंकिंग इंडेक्स नहीं बताएंगे, तो नहीं बताएंगे, इसमें इंडेक्स हमने पहले ही बता दिया, ठीक है। ग्वालियर और कोझिकोड UCCN में शामिल हुआ। तो जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, यूएन के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, उसमें ये कब से जारी किया जा रहा है, तो 2004 से यूनेस्को के रचनात्मक शहरों का नेटवर्क सृजन हुआ, उसी तभी से उसमें यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में क्या किए जा रहे हैं, शहर शामिल किए जा रहे हैं। अभी इसमें न्यूज में क्या रहा कि दो भारतीय शहर हैं, एक कोझिकोड एक है ग्वालियर, उसको शामिल किया गया यूसीसीएन में। ग्वालियर को संगीत क्षेत्र में किया गया है, जबकि कोझिकोड को साहित्य क्षेत्र में किया गया, और साहित्य क्षेत्र में किया जाने वाला पहला शहर है कोझिकोड, ध्यान रखना है, लेकिन संगीत में नहीं है पहला ग्वालियर, ये ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। तो संगीत में अगर देखा जाए तो पहला कौन है, तो बनारस था, 2015 में दो शामिल हुए थे अभी तक यूसीसीएन में, ठीक है। रचनात्मक शहर, यूनेस्को के रचनात्मक शहर के नेटवर्क में कितने भारतीय शहर शामिल हो गए हैं, तो टोटल 8 शहर शामिल हो गए, कितने, 8 शहर को शामिल कर दिया गया। तो दो ये हो गए,
तो छह कौन है? तो जयपुर 2015 में जयपुर बनारस हुआ था, 2017 में किसको शामिल किया गया था? चेन्नई को संगीत के क्षेत्र में, 2019 में मुंबई को और हैदराबाद को शामिल किया गया, तो फिल्म के क्षेत्र में मुंबई को और हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में किया गया था, 2021 में श्रीनगर को किया गया था, तो ये छह हुए और सातवां कोझिकोड, आठवां ग्वालियर, ठीक है ना। तो भारत में शामिल भारतीय शहरों की कुल संख्या कितनी हो गई? आठ हो गए। अच्छा, ग्वालियर क्यों फेमस है? तो ग्वालियर में देखा जाए तो तानसेन का मकबरा है, ग्वालियर अभिलेख वहां पे है। किसने लिखवाया था ग्वालियर अभिलेख? तो राजा भोज ने लिखवाया था। और बैजू बावरा, इन दोनों का रिलेशन, तानसेन और बैजू बावरा का रिलेशन कहां? ग्वालियर से था, इसलिए ग्वालियर फेमस है, ठीक है ना। साहित्य के क्षेत्र में पहला भारतीय शहर कौन शामिल हुआ? तो साहित्य के क्षेत्र में शामिल होना कौन था? कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, ठीक। इसराइल फिलिस्तीन विवाद को अगर देखें तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या बात आता है कि हमास द्वारा इसराइल पे किए गए जो हमला था वो किस ऑपरेशन के तहत किया गया था? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के नाम से किया गया था। 5000 मिसाइल दाग दिए थे हमास द्वारा इसराइल पे, तो ये ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया था। जब इसके प्रतिउत्तर में इसराइल ने जो ऑपरेशन चलाया उसको दिया गया ऑपरेशन आयरन सॉर्ट, तो ऑपरेशन आयरन सॉर्ट किसने कर चलाया था? इसराइल ने चलाया था, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में गजापट्टी में मानवीय सहायता के लिए क्या हुआ? एक प्रस्ताव पारित किया गया। उस प्रस्ताव पारित में विरोध किसने किया? इसराइल और अमेरिका ने विरोध किया, जबकि भारत इसमें क्या रहा? मतदान के समय अनुपस्थित रहा, ध्यान रखना, अनुपस्थित रहा, उस पे मतदान नहीं किया है जो प्रस्ताव। ऑपरेशन अजय किससे रिलेटेड है? तो इसराइल में जो भारत नागरिक हैं थे उनको सुरक्षित निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन अजय था। ढोडो गांव सबसे पर्यटन गांव घोषित किया गया UNWTO के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा ढोडो गांव को क्या घोषित किया गया? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। तो देखो, ये UNWTO की महासभा की 25वीं बैठक कहाँ पे हुआ था? समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था, वहां पे आयोजित किया गया था, और उसी में, ठीक है, उसके तीसरे संस्करण में 2021 में जारी इस सूची का तीसरा संस्करण जारी किया गया, उसमें 54 गांवों को क्या किया गया? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के दर्जा दिया गया। कहां पे? समरकंद में, ठीक है ना। तो उसमें एक भारत का भी है, ढोरडो गुजरात का, वो कच्छ जिले में पड़ता है, ठीक है ना। कच्छ के महान रण में स्थित ढोरडो वार्षिक रण उत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। G20 की अध्यक्षता के तहत प्रथम पर्यटन कार्य समूह की भी बैठक कहाँ पे हुआ था? यही ढोरडो में किया गया था, ठीक है ना। UNWTO के द्वारा भारत में दो गांव को सबसे पर्यटन गांव की सूची में शामिल कर लिया गया। पहला कौन था? पोचमपल्ली 2021 में किया गया, और 2023 में ढोडो गांव को किया गया, ठीक है ना। पोचमपल्ली सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, पोचमपल्ली तेलंगाना में है, ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि भारत के मंडला मध्य प्रदेश को, मंडला जो मध्य प्रदेश में शहर है, UNWTO सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव अपग्रेड कार्यक्रम के सूची में शामिल किया। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव अपग्रेड कार्यक्रम में कौन शामिल हुआ? मंडला, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखें तो वैश्विक पेंशन सूचकांक नहीं बताना है क्योंकि हमने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। भुखमरी सूचकांक भी नहीं बताना क्योंकि ऑलरेडी बता रखा है। अब हम लोग बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की, बात करेंगे, ठीक है। नोबेल पुरस्कार, तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देखा जाए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? क्लाडिया गोल्डेन को दिया गया, और क्लाडिया गोल्डेन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला है। कौन सी तीसरी महिला? तो 2009 में एलिनार ओस्ट्रॉम 2009 में जीता था, 2019 में एस्थर डफलो ने जीता था। तो ये दो लोग, एलिनार ओस्ट्रॉम और एस्थर डफलो, ने पहले से अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार जीते हैं, और क्लाडिया गोल्डिंग ये तीसरी महिला हैं जो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार जीती है। लेकिन एक साथ और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि क्लाडिया गोल्डिंग जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीती हैं, पहली ऐसी महिला विजेता हैं जिन्होंने यह पुरस्कार अकेले या सोलो जीता है, ये भी ध्यान रखना। और क्लाडिया गोल्डिंग कहाँ के हैं? यूएस के, ठीक है ना। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है, अमेरिकी अर्थशास्त्री है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए इम्पोर्टेंट, तो नोबेल शांति
पुरस्कार के बारे में देखा जाए तो ईरान की नरगिस मोहम्मदी को दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार, ईरान की नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की घोषणा के समय नरगिस क्या थी, कैद थी, ये भी बात ध्यान रखना। और विश्व की ये 19वीं और ईरान की दूसरी महिला थी जिनको ये शांति पुरस्कार मिला। ठीक है, शांति नोबेल पुरस्कार मिला। 2003 में ईरान की शिरीन एवादी, ध्यान रखना, शिरीन एवादी के बाद ईरान की दूसरी महिला है नरगिस कैद, तो ये भी ध्यान रखना, नरगिस कैद बोल रहे हैं, नरगिस मोहम्मदी। ठीक है ना, तो शिरीन एवादी याद रखना पहली महिला ईरान की थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था शांति में। ठीक है ना, तो प्रथम ईरानी महिला थी जिन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। ठीक है ना, अब नेक्स्ट साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देखें तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन थे, तो नॉर्वेजियन लेखक हैं जान ओलाव फासे, उनको मिला। ठीक है ना, जाओ ओलाव फासे। ठीक है ना, तो किसके लिए दिया गया, तो उनके अभिनव नाटक और गद्य के लिए प्रदान किया गया जो अनकही भावनाओं को आवाज देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट ये है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार देखें तो मोगी जी बावेंडी अमेरिका के हैं, उनको दिया गया। लुइस ई ब्रूस को अमेरिका के हैं, उनको दिया गया। एलेक्सी आई एकिमो को दिया गया, ये भी अमेरिका के हैं। तीनों लोग अमेरिका के हैं, उनको रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया और क्वांटम डॉट्स के लिए दिया गया, क्वांटम डॉट की खोज के लिए दिया गया। ठीक है ना, नेक्स्ट अगर बात करें तो भौतिक विज्ञान में किसको दिया गया, तो भौतिक विज्ञान में पियरे एगोस्टिनी को दिया गया, ये भी अमेरिका के हैं। फेरेंक काउस काउस्ट या काउज काउज को, फेरेंक काउज को, ये जर्मनी के हैं। और एनी एल हिलियर स्वीडन के हैं। इन तीनों लोगों को क्या दिया गया, फिजिक्स में दिया गया। क्यों दिया गया, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डायनेमिक, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए और एटो सेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक तरीके की खोज के लिए प्रदान किया गया। तो एक तो इलेक्ट्रॉन की डायनेमिक्स के अध्ययन के लिए, साथ में एटो सेकेंड पल्स उत्पन्न करके करने सॉरी एटो सेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक तरीके की खोज के लिए प्रदान किया गया। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना। एटो सेकेंड में कितना होता है, 10^-18 सेकेंड होता है, ध्यान रखना। चिकित्सा विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के रूप में देखा जाए तो किसको दिया गया, कैटलिन कारिको और ड्रू बिजमैन को दिया गया, ड्रू बिजमैन को। कैटलिन कारिको कहाँ के, हंगरी हैं के हैं, और ड्रू बिजमैन अमेरिका के। इनको क्यों मिला, तो COVID-19 के विरुद्ध मैसेंजर आरएनए पे टीका बनाने के लिए इनको दिया गया चिकित्सा विज्ञान में, ध्यान रखना। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा आ रहा है, इंडेक्स छोड़ के देखो, भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल, भारत और संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल स्टार्ट किया। ग्लोबल साउथ शब्द पहली बार किसने दिया था, तो 1969 में कार्ल ओग्लेसबी ने दिया था, कार्ल ओग्लेसबी ने दिया था ग्लोबल साउथ का। और ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है, जितने डेवलपिंग कंट्री हैं उनको शामिल किया गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट अगर इसमें देखा जाए तो भारत और संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक दक्षिण मतलब ग्लोबल साउथ देशों हेतु एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल प्रारंभ किया। तो पूछा जा सकता है कि ग्लोबल साउथ देशों के लिए किसने संयुक्त क्षमता निर्माण पहल ज्वाइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव प्रारंभ किया, तो भारत और यूएन ने किया, बस इतनी सी बात जाननी है। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां बैठक हुआ, 78वें सत्र का बैठक हुआ, कहाँ पे हुआ, न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली हॉल में हुआ। और न्यूयॉर्क में ही क्या यूएन का क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है ना, तो 78वें जो बैठक हुआ, एक मिनट, ये 78वें सत्र का देखा जाए तो 78वें सत्र के पहले में एसजी शिखर सम्मेलन का बैठक हुआ, जो 78 नंबर का बैठक हुआ उसमें एसजी शिखर सम्मेलन का बैठक हुआ, फिर क्लाइमेट एम्बिशन समिट हुआ। ठीक है ना, बेसिकली 78वें
सत्र के मुख्य थीम के रूप में क्या था? थीम पूछा नहीं जाएगा, विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना सभी के लिए शांति, समृद्धि, प्रगति और स्थिरता की दिशा में 2030 एजेंडा और इसके सतत विकास लक्ष्यों पे तेजी लाना। ये इतना बड़ा कभी थीम नहीं दे सकता, तो बस रहने देना। डेनिस फ्रांसिसी ये त्रिनाद एवं टोबैको के क्या हैं, इन्होंने 78वें सत्र की अध्यक्षता किया। तो पूछा जाएगा कि यूएन के 78वें सत्र की अध्यक्षता किसने किया? तो डेनिस फ्रांसिस ने किया। ध्यान रखना भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर वहां पे शामिल थे, ठीक है ना। दो नए विश्व धरोहर स्थल के रूप भारत को प्राप्त हुए और वो दो नए विश्व धरोहर में देखा जाए तो देखो यूनेस्को यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये 45वीं वार्षिक आम बैठक जो हुआ रियाद सऊदी अरब का हुआ, किसके? यूनेस्को की, विश्व धरोहर समिति की। ध्यान रखना विश्व धरोहर समिति की यूनेस्को की बैठक कहाँ हुआ? 45वीं रियाद सऊदी अरब में हुआ। कुल 42 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में की सूची में शामिल किया गया। ध्यान रखना कितने? 42। और इसमें दो नए भारतीय विश्व धरोहर को स्थान दिया गया, वो कौन है? पहला शांति निकेतन जो भारत का 41वें नंबर पे है, दूसरा होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक में है, ये 42वें नंबर पे। तो टोटल देखा जाए तो भारत में कितने होंगे? 42 विश्व धरोहर स्थल हो गया, कितने? 42। इस 42 में एक क्या है? मिक्स्ड है, एक मिक्स्ड है कंचनजंगा, और उसके बाद 7 क्या है? नेचुरल है और 34 क्या है? हमारा कल्चरल हेरिटेज साइट है। तो एक मिक्स्ड है, एक नेचुरल है और 34 क्या है? कल्चरल हेरिटेज साइट है, ठीक है ना। तो ये शांति निकेतन कहाँ पे है? तो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है, बीरभूम जिले में पड़ता है, ठीक है ना। और फैसल के पवित्र मंदिर समूह कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। ये तीन मंदिरों इस समूह में तीन मंदिर शामिल है और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तीन मंदिर कौन कौन से हैं? तो एक है चेन्ना केशव मंदिर, ठीक है, वेलूर हासन में है, होयसलेश्वर मंदिर और केशव मंदिर। ये तीन मंदिर शामिल हैं होयसल समूह में, ध्यान रखना। और तीनों को क्या? विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर स्थल में, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि ये टोटल बताया गया है कि 42 कौन कौन से हैं, हमें उस पर फोकस नहीं रखना है। देखो कंचनजंगा मिक्स्ड है ये बताया था, बाकी 7 नेचुरल हैं, ऊपर देख लेना, अगर नहीं देखा होगा तो इसे जरूर एक बार जरूर देख लेना लिस्ट। अब नेक्स्ट न्यूज है I2U2 समूह द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का अनावरण किया गया, I2U2। तो I2U2 का मतलब क्या है? आई दो बार आई है, तो एक बार आई का मतलब इसराइल, एक बार आई का इंडिया, और दो बार यू का मतलब एक बार यू से दूसरे UAE। इन्होंने मिलकर संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम ज्वाइंट स्पेस वेंचर का अनावरण किया। तो पूछा जाएगा कि किसने ज्वाइंट स्पेस वेंचर का अनावरण किया? तो I2U2 ने किया है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। और ये जो वेंचर है ये आर्टेमिस समझौते के सिद्धांतों के अनुरूप है, ठीक है ना। भारत और कनाडा विवाद क्यों रहा इस बार अभी हाल ही में? तो मालूम है कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, कहां पे चला था? पंजाब में चला था। और ये ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चला था, ये ध्यान रखना है। 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर, ये भारतीय मूल के कनाडाई सिख हैं, इनको आतंकी घोषित किया गया था, जिसे भारत द्वारा क्या? आतंकी घोषित किया गया। तो एक कनाडा के गुरुद्वारे में इनकी क्या कर दी जाती है? गोली मार के हत्या कर दी जाती है। किसकी? हरदीप सिंह निज्जर को। जब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी जाती है तो जस्टिन ट्रूडो हैं जो प्रधानमंत्री कनाडा के, वो हाउस ऑफ कॉमन्स में जाते हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स में जाके और वहां पे सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत सरकार पे लगाते हैं, ठीक है ना। और भारत पे जो आरोप लगाया गया था वो फाइव आईज संगठन, जो फाइव आईज है उसके द्वारा खुफिया जानकारी के आधार पे इन्होंने, जस्टिन ट्रूडो ने भारत पे आरोप लगाया था, ठीक है ना। तो अब फाइव आईज की आ गया है, तो इसको फाइव आईज के बारे में जानना है कि ये फाइव आईज इंटेलिजेंस क्या है। तो 5 देश हैं, ये 5 देशों का संगठन है, इंटेलिजेंस एलायंस है। किसका? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK और अमेरिका का, ठीक ना। ये फाइव आईज इंटेलिजेंस है, इसी के द्वारा उनको
खुफिया जानकारी प्राप्त हुआ था। अच्छा एक और चीज है, भारत OIML प्रमाण पत्र जारी करता देश बन गया है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी ये प्रमाण पत्र अब जारी कर सकता है कौन, भारत जारी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि विश्व भर में भारत का बाट और मापन वेट एंड मेजरमेंट के उपकरणों को बेचने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे स्वीकृत जो OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है। तो भारत अब क्या कर सकता है, बाट और मापन को बेचने के लिए आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या कर सकता है, ये प्रमाण पत्र दे सकता है। ऐसा करने वाला ये भारत 13वां देश बना है कि 13वां देश है जो OIML प्रमाण पत्र जारी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना। अब भारत 1956 में OIML का सदस्य बना था, ठीक है ना। रैंकिंग हमने कहा था कि इंडेक्स पढ़ा चुके हैं और इंडेक्स इसमें नहीं बताएंगे, ठीक है ना। जॉर्जिया द्वारा हिंदू विरासत महा घोषित किया गया। जॉर्जिया द्वारा, जॉर्जिया कहाँ का है, यूएस का राज्य है, उसके द्वारा हिंदू विरासत महा घोषित किया गया। तो अक्टूबर माह को जॉर्जिया द्वारा हिंदू विरासत महा घोषित किया गया, ध्यान रखना किस माह को, हिंदू अक्टूबर माह को, ठीक है ना। तो इतनी बात जानना था। नेक्स्ट अगर देखें तो इंडेक्स से हमें अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। और जो इंडेक्स नहीं देखे होंगे वो इंडेक्स क्या कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है ना। इंडेक्स को बड़े सिंपल वे में हमने बताया है तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। सीरिया, सीरिया अरब लीग में पुनः शामिल हो गया। तो सीरिया अरब लीग में पुनः शामिल हो गया। देखो अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल था, उस अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद 22 मार्च 1945 को काहिरा मिस्र में इसका गठन किया गया, किसका, अरब लीग का, ठीक है ना। 1944 में अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद 22 मार्च 1945 में काहिरा मिस्र में किसका गठन हुआ, अरब लीग का गठन हुआ। और वर्तमान में अरब लीग में कितने, 22 अरब देश शामिल हैं, ठीक है ना। तो सीरिया का हुआ क्या था कि इसको 12 वर्ष के बाद फिर से शामिल कर दिया गया है। 2011 में सीरिया को अरब लीग से क्या कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था, फिर से सीरिया को शामिल कर लिया गया। तो ये भी बात ध्यान रखना। अच्छा ये जेद्दा घोषणा पत्र किससे रिलेटेड है, तो 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, जेद्दा सऊदी अरब में हुआ, उसी से ये रिलेटेड है। जेद्दा घोषणा पत्र, जेद्दा डिक्लेरेशन पूछेगा। ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा क्या था, तो देखो म्यांमार में मोका चक्रवात आया था। उस मोका चक्रवात में भारत ने क्या किया था, हेल्प किया था तीन पोतों के माध्यम से, INS शिवालिक, INS कामोर्ता और INS सावित्री, उसके साथ INS घड़ियाल, इन चारों के माध्यम से क्या किया, मोका चक्रवात आया था, कहाँ पे आया था, म्यांमार में आया था, उन लोगों को आपदा सहायता प्रदान किया था चार, और इन चारों का नाम याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, INS शिवालिक, INS कामोर्ता और INS सावित्री, INS घड़ियाल, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो फिर से सूचकांक आ गया, ठीक है, इसमें भी सूचकांक है। हाँ नेक्स्ट है कि फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया। फिनलैंड नाटो का क्या, 31वां सदस्य बन गया। 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पे हस्ताक्षर के साथ नाटो का आधारशिला रखा गया। इसी को वाशिंगटन संधि के रूप से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वाशिंगटन संधि के माध्यम से ही नाटो अस्तित्व में आया। उत्तरी मैसेडोनिया 30वां सदस्य बना था 2020 में, ठीक है ना। और नाटो का मुख्यालय देखा जाए तो ब्रुसेल बेल्जियम में है, हाँ ब्रुसेल बेल्जियम में है, ठीक है ना। 31वां कौन बन गया, फिनलैंड बन गया। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए, इसके बाद जो न्यूज है वो है लद्दाख और मयूरभंजन। लद्दाख एवं मयूरभंजन टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया। तो टाइम पत्रिका द्वारा 50 महानतम स्थानों की सूची में लद्दाख और मयूरभंजन को शामिल किया गया। लद्दाख को तो मालूम है, मयूरभंजन कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, बस इतनी सी बात जाननी थी आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए न्यूज में तो
ऑस्कर पुरस्कार 95th नंबर का या 95वां ऑस्कर पुरस्कार के बारे में देखा जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 95वें ऑस्कर पुरस्कार सर्वाधिक किस कौन नामित हुआ, 11 नामांकन किस फिल्म के लिए किया गया, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए किया गया, और इसके निर्देशक कौन है, डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट, ठीक है ना। और ये एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल एट वंस ये सर्वाधिक 7 ऑस्कर पुरस्कार जीता 95वें में, ठीक है ना, 7 ऑस्कर जीता। तो ये भी ध्यान रखना कि 11 के लिए नॉमिनेटेड था और 7 ऑस्कर पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में भी ये एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में जीता सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट, ठीक है ना। मिशेल यो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के क्या है, अभिनेत्री हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया और ऐसा पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला है, ध्यान रखना मिशेल यो पहली ऐसी एशियाई महिला है, ठीक है ना। एक ड्रामा है अमेरिकी साइकोलॉजिकल ड्रामा द वेल, उसके लिए अभिनय के लिए ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। तो ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ क्या दिया गया, अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, ठीक है। कार्तिक गोंसाल्वेस द्वारा निर्देशित द एलिफेंट विस्पर वेरी इंपॉर्टेंट सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया, और किसने ये बनाया है, तो कार्तिक गोंसाल्वेस ने बनाया है द एलिफेंट विस्पर, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, ये पहला ऐसा अवसर था जो ऑस्कर में किसी भारतीय प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित किसी फिल्म को ऑस्कर दिया गया। तो ये डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म थी इसमें ऑस्कर मिला है। नेक्स्ट क्या है, SS राजामौली ने बनाया था RRR, उसमें नाटू नाटू को सबसे संगीत ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया नाटू नाटू को। इस नाटू नाटू को गीत के संगीतकार कौन है, ध्यान रखना MM किरवानी और चंद्र बोस, यही दोनों लोग जाके पुरस्कार लिए थे, ठीक है ना। और इस गीत को गाया कौन है, राहुल सिपलीगंज और काल भैरव। एक नेक्स्ट है कि 8वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग किसको मिला था, मोशन पिक्चर में देखा जाए तो नाटू नाटू को ही विजेता घोषित किया गया था 80 नंबर के गोल्डन अवार्ड में भी, ठीक है ना। अच्छा, 95वें ऑस्कर पुरस्कार में देखा जाए तो दीपिका पादुकोण ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं में शामिल रही, कौन, दीपिका पादुकोण। 1980 में पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी, परसिस खंबाटा, वो शामिल हुई थी। 2016 में दूसरी भारतीय प्रियंका चोपड़ा शामिल थी, और तीसरा कौन है, ये हमारे दीपिका पादुकोण थी, ठीक है ना। तो ये बात हुआ, अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा न्यूज हमको देखना है। तो नेक्स्ट न्यूज है, भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया। तो द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट किसने चलाया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब US और संयुक्त राज्य अमीरात UAE का एक संयुक्त पहल है जो COP26 2021 में हुआ था, कहां पे, ग्लासगो में, उसमें ये स्थापित हुआ था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट की स्थापना करने वाला या अनाउंस करने वाला घोषणा कब किया गया था, तो COP26 में US और UAE द्वारा किया गया था, उसमें भारत क्या हो गया, शामिल हो गया, ठीक है ना। तो AIM4C के 55 सदस्य हो गए हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सूचकांक हमने बता ही दिया। भारत वासनेर व्यवस्था का अध्यक्ष, तो वासनेर नाम किसका पड़ता है, वासनेर है कहाँ, द हेग नीदरलैंड में स्थित एक उपनगर है, ठीक है, उपनगर है। यहीं पे 1995 में ये वासनेर व्यवस्था का क्या हुआ था, समझौता हुआ था। औपचारिक शुरुआत कब हुई थी, 1996 में। समझौता हस्ताक्षर साइन कब हुआ था, 1995 में, लेकिन औपचारिक शुरुआत 1996 में हुआ था वासनेर व्यवस्था का। अभी टोटल 42 सदस्य हैं, 42वां नंबर का सदस्य 2017 में कौन बना था, भारत बना था। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो भारत अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल एक वर्ष मतलब 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक था वासनेर व्यवस्था का, तो अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट
देखते हैं। अब आते हैं COP28। देखो COP28 कहाँ पे हुआ, तो दुबई में हुआ, यूएई में, ठीक है ना। और UNFCCC के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। सुल्तान अहमद अल जाबेर ये इसकी अध्यक्षता किए, ठीक है, COP28 की अध्यक्षता किए। यहाँ पे प्रथम वैश्विक स्टॉक टेक, ध्यान रखना, ग्लोबल स्टॉक टेक पे बनाने की सहमति बना। क्या है कि जो पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते हुए थे COP21 में, उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ये सक्षम बनाती है प्रथम वैश्विक स्टॉक टेक। तो ध्यान रखना इस बात को, 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक स्थापित क्षमता से क्या करना है, तिगुना करना है, ये COP28 में बोला गया। और विश्व बैंक के देखरेख में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक के देखरेख में हानि एवं क्षति कोष, लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया है। किस इसकी प्रतिबद्धता देखा जाए तो COP27 में हुआ था, मिस्र में हुआ था, और बनाया कहां गया है, ये बनाया गया है COP28 में, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात है कि COP28 में ये भी घोषणा किया गया कि परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक बढ़ाकर कितना करना है, 3 गुना करना है, ठीक है ना। वैश्विक जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में मोदी जी भी ने पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था COP28 में। और जब मोदी जी भाग लेंगे तो कुछ ना कुछ बोला जाएगा। तो देखो, भारत द्वारा वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले COP33 का मेजबानी की पेशकश की है, ध्यान रखना, पेशकश की है। इससे पहले 2002 में दूसरा के बाद अगर ये होता है तो दूसरा कॉप होगा, ठीक है ना, 28 में। तो 2002 में पहला हुआ था, उसके बाद ये दूसरा आयोजित होगा। जब मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट किए तो COP20 के दौरान मोदी जी ने ग्रीन क्रेडिट पहल स्टार्ट किया, ग्रीन क्रेडिट पहल, जैसे मालूम होगा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट भारत सरकार ने स्टार्ट किया था ग्लासगो में, ये COP26 में इसका घोषणा भी किया गया था, ठीक है ना। तो उसी का एक पार्ट के रूप में, एक अभियान के तहत, ये ग्रीन क्रेडिट लाइफ के अभियान के तहत ही ग्रीन क्रेडिट कार्ड पहल भी क्या किया, शुभारंभ किया, कहाँ पे, COP28 में। नेक्स्ट एक ग्रीन राइजिंग पहल भी स्टार्ट किया गया, कौन किया, तो यूनिसेफ के साथ भारत मिलके, और भारत के कौन, तो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसके साथ मिलके ग्रीन राइजिंग पहल स्टार्ट किया COP28 में। तो शुभारंभ ग्रीन राइजिंग पहल का भी ध्यान रखना, यूनिसेफ और भारत के द्वारा ये किया गया। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में COP28 के दौरान लॉन्च किया गया। तो ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस भी भारत के द्वारा COP28 में लॉन्च किया गया, ठीक है ना, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे खोला जाएगा, अलधफरा सोलर फोटोवोल्टाइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा। तो अलधफरा में किया जाएगा, इसकी क्षमता जो होगी 2 गीगावाट होगा, और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र होगा, ठीक ना। COP29 कहाँ पे होगा, तो अजरबैजान के बाकू में होगा। और COP30 कहाँ पे होगा, 2025 में, ये ब्राजील में होगा, ध्यान रखना, ब्राजील में। अच्छा, COP5 जो UNEP के द्वारा मनाया जाता है, COP5 मिनीमाता अभिसमय पे 5वीं बैठक कहाँ पे हुआ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ, मिनीमाता कन्वेंशन पे हुआ। तो ये बात ध्यान रखना, किसके द्वारा ये आयोजित किया गया, तो ये UNEP के द्वारा आयोजित किया गया, जबकि वो कॉप अभी बताया था अबू धाबी में जो हुआ, वो UNFCCC के द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, क्लाउडिया डिमोत्री के द्वारा किया गया, ये रोमानिया देश से संबंधित हैं, क्लाउडिया डिमोत्री, उनके द्वारा ये अध्यक्षता किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो COP26 का जो यूएनईपी के द्वारा किया जाता है मिनीमाता अभिसमय पे, उसका कहां पे होगा, चिली पे होगा, 2025 में, कहां पे होगा, अगली बैठक चिली में होगा। और COP6 की अध्यक्षता कौन करेंगे, ओस्वाल्डो पेट्रिसियो अल्वारेज पेरेज, ठीक है ना, द्वारा किया जाएगा। तो ये अध्यक्षता की भी बात कर दिया गया, और कहां पे होगा COP6, मिनीमाता अभिसमय पे, चिली में होगा, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, पारी पे मिनीमाता अभिसमय की बात करें तो मिनीमाता अभिसमय इस संधि
को वर्ष 2013 में अपनाया गया था और 16 अगस्त 2017 को लागू किया गया था मिनी माता अभिसमय को। भारत मिनी माता अभिसमय का एक पक्षकार है, ध्यान रखना। 2018 में रेक्टिफिकेशन किया था मिनी माता अभिसमय पे, किसने अनुसमर्थन किया था, भारत ने, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जीपीआई शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो भारत मंडप में किया गया, नई दिल्ली में हुआ जीपीआई सम्मेलन, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। जीपीआई पे नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया, तो ध्यान रखना जीपीआई पे नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया और ये शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में हुआ, ठीक है ना। अच्छा, जीपीआई के बारे में अगर बात करें तो जीपीआई आधिकारिक रूप से 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया था और जीपीआई का सचिवालय कहाँ पे है, पेरिस पे है, कहाँ पे है, पेरिस में। ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट में की गई है, तो जो इसका पेरिस में जो ओईसीडी का क्या है सचिवालय है, उसी सचिवालय में इसकी स्थापना किया गया है, सचिवालय की स्थापना किया गया ओईसीडी के कैंपस में। जीपीआई के 15 संस्थापक सदस्य हैं जीपीआई के, उसमें भारत भी शामिल है। वर्तमान में जीपीआई के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 29 हो गई है, ठीक है ना। जीपीआई में अगर देखा जाए तो 2020 में यूनेस्को और भी जीपीआई के पर्यवेक्षक रूप में शामिल था, ठीक है ना। इससे पहले ओईसीडी तो था ही, तो दो पर्यवेक्षक के रूप में संगठन भी शामिल है। पहला शिखर सम्मेलन जीपीएआई का कहाँ हुआ, कनाडा मॉन्ट्रियल में हुआ था 2020 में। दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, पेरिस फ्रांस में हुआ। तीसरा शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में हुआ 2022 में। और चौथा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में हुआ। प्रथम वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूके के बिलेचले पार्क में किया गया, ये प्रथम संस्करण था, ध्यान रखना। और यहीं पे पूछा जाएगा कि बिलेचले डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो प्रथम वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर से सम्मिलित है, मतलब ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट से ये बिलेचले डिक्लेरेशन है, ठीक है ना। और साथ ही में यूके में ध्यान रखना, यूके में विश्व के प्रथम एआई सुरक्षा संस्थान भी बनाया जाएगा, ये भी बात लॉन्च किया गया उसी में। तो विश्व का प्रथम एआई सुरक्षा संस्थान कहाँ बनाया जाएगा, यूके में बनाया जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, यूके में बनाया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर चलें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन का अगले संस्करण का मेजबानी किसको दे दिया गया, अभी तो यूके में हुआ, फ्रांस को दे दिया गया है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। थ्री बेसिन समिट या ब्राजील समिट कहाँ बोला जाए, तो ये कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राजील में थ्री बेसिन शिखर सम्मेलन हुआ और ये दूसरा संस्करण आयोजन हुआ, किसका, थ्री बेसिन समिट का दूसरा संस्करण हुआ और अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, कांगो के राष्ट्रपति डेनिस सैसो नेगेसो के द्वारा किया गया। ध्यान रखना थ्री बेसिन में कौन कौन शामिल होते हैं, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है, बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन हो, इन तीनों को ही मिला के थ्री बेसिन बोला जाता है और विश्व की 2/3 जैविक विविधता इन तीन बेसिन में पाया जाता है। थ्री बेसिन के बारे में ये जानना जरूरी था, ठीक है ना। अमेजन बेसिन का पृथ्वी पर सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र है, तो अमेजन बेसिन सबसे बड़ा है, ठीक है, जो 9 देश साउथ अमेरिका के 9 देशों में विस्तृत है अमेजन बेसिन। वहीं अगर कांगो बेसिन की बात करें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है और ये अफ्रीका के 6 देशों में फैला हुआ, ठीक है ना। वहीं तीसरा देखा जाए तो बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन, ये तीसरा सबसे बड़ा है और तीसरा बड़ा कार्बन सिंक। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पे सबसे बड़ा कार्बन सिंक क्या है, तो समुद्र मारोगे, और उसके अगर फॉरेस्ट का पूछा जाए तो पहले अमेजन होगा, उसके बाद कांगो होगा, ठीक है, कांगो होगा, उसके बाद कौन होगा, बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व, तो तीसरा सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, ठीक ना। G77 शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ, हवाना क्यूबा में हुआ, ठीक है ना। तो G77 के साथ साथ चीन भी इसमें आता है, तो इस अध्यक्षता किसने किया, तो क्यूबा के राष्ट्रपति मुगुएल डियाज कैनल के द्वारा किया गया। हवाना डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो G77 से रिलेटेड है। 2024 में G77 का कहाँ पे होगा, युगांडा में। अच्छा, G77 जो भी डेवलपिंग कंट्री है उनका समूह बोला जाता है, ठीक ना। इससे पहले अगर देखा जाए तो G77 का कहाँ पे हुआ था, 2022 में पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है ना। और जब बना था 1964 में, तो भारत में पहली बार इसकी अध्यक्षता किया गया था G77 का, तो ये भी ध्यान रखना।
G77 बना कब था? 1964 में बना था, ठीक। और इस सदस्य G77 सदस्यों की संख्या कितनी है? 134 देश हैं। भारत G77 का सदस्य है, इस बात को भी जान लेना। 18वां G20 शिखर सम्मेलन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 18वां, ठीक ना। 17वां कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में। 18वां हो रहा है कहाँ पे? 18वां हो रहा है हमारा इंडिया में। और 19वां कहाँ पे होगा? ब्राजील में, ठीक है ना। तो इसमें देखा जाए तो ये भारत मंडप प्रगति मैदान में सितंबर महीने में 18वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो लखनऊ, बनारस, आगरा, ग्रेटर नोएडा और में G20 से संबंधित बैठकों का आयोजन किया गया। इन तीन चार जगहों पे उत्तर प्रदेश में भी G20 का बैठक हुआ। G20 का शेरपा कौन बना था? तो अमिताभ कांत को चुना गया था और हर्षवर्धन श्रृंगला ये मुख्य समन्वयक या चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त थे। तो अमिताभ कांत क्या थे? G20 के शेरपा, और चीफ कोऑर्डिनेटर कौन थे? तो हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है ना। अब इसमें देखा जाए तो G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र जारी किया गया। तो किस G20 को किस नाम से जाना जाता है? नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र डिक्लेरेशन किस में जारी किया गया? तो G20 में जारी किया गया, ये भी ध्यान रखना। अफ्रीका संघ G20 का क्या बन गया? अस्थाई सदस्य बन गया है, G20 का अस्थाई सदस्य बन गया। तो यूरोपीय संघ के बाद G20 में शामिल होने वाला ये दूसरा रीजनल ब्लॉक है, कौन? अफ्रीकी संघ, ठीक है ना। तो 1999 में के बाद G20 की स्थापना के बाद 1999 में G20 की स्थापना हुआ था, उसके बाद पहला अवसर है जिसमें इसकी समूह की सदस्यता का विस्तार किया गया, अर्थात अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया। अब अफ्रीकी संघ की बात करें तो इसमें कितने देश आते हैं? अफ्रीका के 55 देश आते हैं और ये 2002 में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया था अफ्रीकी संघ, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? अजाली असो मानी, ये कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं, ये अध्यक्ष हैं किसके? अफ्रीकी संघ के, ठीक है ना। अच्छा, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया गया। मैंने पीछे भी बताया था कि मोदी जी के द्वारा सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और UAE के नेताओं के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया, ठीक है ना। और कब किया? 9 सितंबर 2023 को, डेट भी याद रखना। ये भारत की वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन भारत की एक पहल है, ध्यान रखना। इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है? तो जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना इसका मेन एम है। अगर जैव ईंधन में देखा जाए तो सबसे नंबर वन पे उत्पादन में कौन आता है? अमेरिका, उसके बाद ब्राजील आता है 30% पे, और तीसरे नंबर पे 3% से भारत आता है। टोटल इन तीन देशों में 85% जैव ईंधन उत्पादन होता है। अब नेक्स्ट है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना प्री में इंपॉर्टेंट नहीं है उतना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आईमेक की बात करें तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये BRI है। BRI चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बोला जाता है, उसके प्रति उत्तर के रूप में इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। बेसिकली इसमें कौन कौन होगा? भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच में ये भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो इस आर्थिक गलियारा में क्या कहाँ क्या बनाया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मेंस के लिए है, मेंस के पर्पज से है। देखो 18वें G20 शिखर सम्मेलन में मोदी जी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा को अध्यक्षता का गेवल सौंपा। तो ये 18वें शिखर सम्मेलन का जब समापन हुआ तो 19वां कहाँ पे होगा? ब्राजील में 2024 में रियो डी जेनेरियो में होगा 19वां, ठीक है ना। तो G20 की अध्यक्षता के बारे में देखा जाए तो इसका थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य था। ये कहाँ से लिया गया वसुधैव कुटुंबकम? तो महा उपनिषद से लिया गया, ये भी ध्यान रखना। G20 के जो लोगो है उस पर राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंग जैसे केसरिया, सफेद, हरा और नीला से प्रेरित है लोगो, और राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी को भी दर्शाया गया है लोगों में, ठीक है ना। G20 में देवनागरी लिपि में भारत भी लिखा गया है, जब भी देखोगे G20 का तो उसमें मिलेगा। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। ये इसकी अध्यक्षता किसने किया? जोको विडोडो ने किया। देखो 44वां और 45वां दोनों ही कहाँ पे होगा? लाओस में होगा, कौन?
ये आसियान शिखर सम्मेलन, ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा 2024 में कहाँ होगा, लाओस में होगा, और एक साल में दो बार होता है, ठीक है ना। देखो इसके साथ साथ बीसवां आसियान भारत शिखर सम्मेलन भी हुआ 43वां के साथ, और 48वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन भी हुआ 18वें नंबर का, तो 20वें नंबर का आसियान भारत शिखर सम्मेलन, 18वें नंबर का क्या एशिया शिखर सम्मेलन है, ठीक ना, यहाँ पे हुआ। देखो 18वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में देखा जाए तो इसमें वार्ता भागीदार कितने हैं, 8 हैं, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, भारत है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, न्यूजीलैंड है, रूस है, अमेरिका है, इन सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो आसियान प्लस 8 जिसको बोलते हैं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में, तो आसियान और प्लस 8 पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होते हैं, और भारत और आसियान के बीच में होता है तो वो भारत आसियान सम्मेलन बोला जाता है। 20वें नंबर का भारत आसियान शिखर सम्मेलन था, 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन था, ये ध्यान रखना। वही अगर पूछ लिया जाएगा आपको मालूम होगा कि अगला कहाँ पे, लाओस में होगा, और इसमें कौन सा, 44वें नंबर का होगा, 45वें में जब आखिरी वाला होता है उसमें 19वें नंबर का भारत आसियान शिखर सम्मेलन, सॉरी 19वें नंबर का पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन होगा, और 21वें नंबर का भारत आसियान शिखर सम्मेलन होगा, तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का क्या है, एक संस्थापक सदस्य है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो तिमोर लेस्ते आसियान का नया मेंबर बना, और उसमें ये अनाउंस किया गया, भारत ने अनाउंस किया कि दिल्ली तिमोर लेस्ते में राजधानी में क्या बनाएगा, एक इंडियन एम्बेसी बनाएगा तिमोर लेस्ते में, भारत ने ये बोला, ठीक है। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ, दक्षिण अफ्रीका के अध्यक्षता में आयोजित किया गया, और पहला ऐसा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है कोविड के बाद जो व्यक्तिगत रूप से हुआ, इन पर्सन रूप से प्रतिभागी किया गया, ठीक है ना, ये भी बात ध्यान रखना। और ब्रिक्स, इसका थीम था ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, ये इसका थीम था, ठीक ना। जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ वो जोहान्सबर्ग 2 घोषणा पत्र से डिक्लेरेशन के रूप में जारी किया गया, तो जोहान्सबर्ग 2 डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, तो ब्रिक्स से संबंधित है, ठीक ना। तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, ये भी ध्यान रखना। छह नए सदस्य शामिल किए गए, कौन कौन, एक तो अर्जेंटीना, दूसरा मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। अर्जेंटीना ने बाद में मना कर दिया, तो अब 5 हो गए, तो ब्रिक्स में 5 थे और 5 और हो जाएंगे तो टोटल 10 हो जाएंगे, तो 5 बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ब्रिक्स में 10 देश शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। अर्जेंटीना के जो जेवियर मिले हैं राष्ट्रपति, उन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। अच्छा ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम का गठन भी प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम का गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, 2024 के कजान में होगा, एससीओ का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, भारत की अध्यक्षता में हुआ, आभासी रूप से ये हुआ, ठीक है, वर्चुअल रूप से हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये नई दिल्ली घोषणा पत्र के रूप में जारी किया गया, नई दिल्ली डिक्लेरेशन के रूप में एससीओ को अपनाया गया। ईरान एससीओ का 9वां सदस्य बना, कौन बना, ईरान, तो ईरान ब्रिक्स का भी सदस्य बना और एससीओ का भी बना। एससीओ के सदस्य देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए बेलारूस के द्वारा हस्ताक्षर किया गया, कहां पे, जो आभासी रूप से हुआ, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 2024 में एससीओ का शिखर सम्मेलन कहां पे होगा, ये होगा कजान में, कहां पे होगा, कजान में, मतलब कजाकिस्तान में होगा, कजाकिस्तान में। अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन की बात करें, अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन में तो क्रिस्टोफर मार्क्स लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने 42वें नंबर के, ठीक है ना। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यूजीलैंड के इतिहास में 3 पार्टियों के गठबंधन से सरकार बनी है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। डेनियल नबोआ ये इक्वाडोर के 48वें क्या है, राष्ट्रपति है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो डेनियल नबोआ इक्वाडोर के सबसे युवा क्या है, 36 वर्ष के निर्वाचित राष्ट्रपति है, सबसे युवा।
दूसरे सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? जुआन जोस फ्लोरेंस, ठीक है ना। और उसके बाद डेनियल नबोआ, पहले नंबर पे डेनियल नबोआ इक्वाडोर है, इक्वाडोर के बने हैं। जब होता है ना सामने कोई नहीं होता ना बोलने के लिए, तो क्या पढ़ा रहा है इंसान समझ में नहीं आता। श्रेया थाउसिन, श्रेथा थाउसिन, ये थाईलैंड के नए प्रधान बने। तो श्रेथा थाउसिन थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने, ये 30वें प्रधानमंत्री बने। पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बना? सैंटियागो पेना। तो पेना पराग से आता है, ठीक है। ये हम लोग संक्षिप्तियां में देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये कोई नया नहीं देख रहे हैं, उसी में थोड़ा सा डिटेल में हो जा रहा है। नेपाल के राष्ट्रपति के चुनाव कौन जीता? रामचंद्र पौडेल चुने गए, ठीक है ना। और 2008 में नेपाल के गणतंत्र बनने के बाद ये देश के तीसरे राष्ट्रपति होंगे। विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे रामचंद्र पौडेल, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री कौन बना? तो मैनुएला रोका बोटे बने, ठीक है। मैनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बने। बांग्लादेश के राष्ट्रपति के चुनाव किसने जीता? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुकू, ठीक है, नए राष्ट्रपति बने, 22वें राष्ट्रपति हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति कौन बने? तो निकोस क्रिस्टोडोलो लाइट्स, निकोस बने साइप्रस के राष्ट्रपति, ठीक है ना। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय आपदा के देखा जाए, बस 2-5 मिनट और। चक्रवात बिपरजॉय कहाँ पे आया? अरब सागर में आया। और ये 2023 में अरब सागर में उत्पन्न होने वाला पहला चक्रवाती तूफान था 2023 में, ध्यान रखना। ये सौराष्ट्र और कच्छ में लैंडफॉल किया ये चक्रवात बिपरजॉय। तो अरब में, अरब खाड़ी में आया और सौराष्ट्र और कच्छ में इसका लैंडफॉल हुआ। बिपरजॉय वर्ष 2077 के बाद, ध्यान रखना 1977 के बाद, उत्तरी हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाला सबसे लंबी अवधि का चक्रवाती तूफान था, सबसे लंबे समय तक। बिपरजॉय नाम किसके द्वारा दिया गया था? बांग्लादेश के द्वारा सुझाया गया था, ठीक है ना। माउंट मेरापी कहाँ पे है? तो माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है, उसमें विस्फोट हो गया। ये मेरापी रिंग ऑफ द फायर में आता है। चक्रवात फ्रेडी, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रेडी पहली बार मेडागास्कर में आया, ध्यान रखना मेडागास्कर में लैंडफॉल हुआ। इससे प्रभावित कौन? मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, मेडागास्कर, जाम्बिया और रियूनियन द्वीप पर देखा गया। किसका? फ्रेडी का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है फ्रेडी का, कि अब तक के इतिहास में सर्वाधिक दिनों तक 34 दिन तक रहने वाला ये चक्रवात है अब तक के इतिहास में, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान के ब्यूरो द्वारा फ्रेडी नाम दिया गया। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान के द्वारा फ्रेडी दिया गया। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल जो इंटरनेशनल था वो खत्म हो गया। चलिए, थैंक यू सो मच।